हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ज्ञान एक्टिविटी में। मेरा नाम है प्रतीक शर्मा। लेट्स स्टार्ट। तो आज मैं दूसरी अनबॉक्सिंग लेके आया हूँ। अगर आपने पिछली अनबॉक्सिंग नहीं देखी है तो मैंने ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप देख सकते हो। मैंने टेलीस्कोप लेंस की अनबॉक्सिंग करी है और गिव अवे भी करा है, किसी एक लक्की विनर को वो मिल सकता है। तो आज मैं दूसरी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ और साथ ही गिव अवे करने वाला हूँ। तो मैं बताता हूँ किसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। हाँ जी भाई, लीजिए। ये है बोया का माइक M1। बहुत ज्यादा चर्चा में, बहुत ज्यादा चीप एंड बेस्ट माइक है। अगर किसी को चाहिए बनाने के लिए यूट्यूब वीडियोस और वीडियोस कैसी वीडियोस के लिए माइक चाहिए, तो ये बहुत अच्छा माइक है। तो आज मैं इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा, साथ ही गिव अवे करके दिखाऊंगा। वीडियो पे बने रहिए, चलिए अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारे पास ये है बोया का M1, जिसमें पीछे डिस्क्रिप्शन दी हुई है। लाइक मेरे हिसाब से इसके अंदर है आपका पोलर पैटर्न, फ्रीक्वेंसी रेंज, सिंगल नॉइस, सेंसिटिव आउटपुट इंडिपेंडेंस, कनेक्टर एसोसिएट इंक्लूडिंग बैटरी टाइप, डायमेंशन, वेट। तो इसकी प्राइस आई थिंक जो इसमें MRP दी हुई है वो 1995 की है। बाकी मैंने नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आप ले सकते हो। अभी 815 का मिल रहा है, 815 रुपये का आपको मिल रहा है। तो उसकी स्टार्टिंग करते हैं। ये है बोया का M1 माइक, देख सकते हो आप, पूरा आपको दिख रहा है ये। तो अब इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं। ये हमारा बैग, ये कुछ यूजर मैनुअल है जिसमें आपको बता सकते हैं कि कैसे आपको यूज करना है, क्या है, सारा कुछ आप इसको यूज कर सकते हो। साथ ही और देखते हैं क्या है। ये इसका वारंटी कार्ड है, 1 साल की वारंटी है इसकी। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। ये आपका बोया का माइक है। पूरी वायर 20 फीट की वायर है आपकी, मतलब आप समझ लिए किसी भी डिस्टेंस में 20 फीट बहुत होता है यार। 20 फीट का करीब 20 फीट आप ले सकते हो इसे यूज करने पर। और साथ ही और देखते हैं, ये कुछ और चीजें हैं, मैं आपको खोल के दिखाऊंगा। ये एक क्लिप है जो मैं इसे खोल के भी दिखाता हूं आपको। ये देख सकते हैं, ये है इसकी क्लिप। साथ ही ये अडैप्टर और ये आपका इसका माइक का, जो आप ऐसे करके इसे लगा सकते हो, ये देखिए। साथ ही ये आपका सेल हो गया। और साथ ही इसके अंदर आपका दो टाइप है, आप चाहे इसमें देखिए, आप ध्यान से देख सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है कैमरा एंड 4 DSLR, ये ऑन ऑफ कर सकते हो। अब ये सेल डलने के लिए सबसे पहले ये इसमें यहां सेल डलता है, देख सकते हो। ये आपका सेल, आई थिंक अगर आप इसे यूज करोगे तो मेरे हिसाब से अगर आप दिन की 2 वीडियो भी बनाते हो तो ये 8 से 9 महीने आपका ये सेल निकाल सकता है। तो ये पूरा था, आप देख सकते हो बड़े आराम से बोया M1 का पूरा। अब मैं इसको यूज करके दिखाऊंगा कैसी इसकी साउंड है। तो आपने अभी देखा होगा, मैंने बोया M1 की अनबॉक्सिंग करके दिखाई है आपको, और मैंने फाइनली ये माइक यूज भी कर लिया। आपको काफ़ी फर्क लग रहा होगा मेरी आवाज़ में, साउंड क्वालिटी में, पहली वीडियो में और अब की वीडियो में। तो ये था बोया M1, इसका नाम है, और मैंने इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया है, अगर आप परचेस करना चाहते हो तो वहाँ से कर सकते हो। काफ़ी अच्छा माइक है, चीप एंड बेस्ट, अच्छी क्वालिटी का है, विद 1 ईयर वारंटी, ठीक है। साथ ही अब बात करते हैं गिव अवे की। तो इस गिव अवे में वो कोई सब्सक्राइबर का टारगेट नहीं दूंगा, खाली अगर 2000 व्यूज़ मेरे वीडियो पे आते हैं तो साथ ही हम इसका गिव अवे करेंगे, और किसी एक लक्की पर्सन को हम इसे देंगे। उसके लिए क्या करना है आपको, वीडियो को सबसे पहले लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, देन कमेंट में लिखना है ज्ञान एक्टिविटी गिव अवे। और
हम कमेंट वाले में से किसी पर्सन को एक को चूज करेंगे, तो कमेंट करना ना भूलिए। और साथ ही अगर जिसने सब्सक्राइब नहीं किया होगा, उसको सब्सक्राइब अगर नहीं कर रखा होगा, वो एलिजिबल नहीं है इस चीज़ के लिए। तो प्लीज़ नीचे दिए गए रेड बटन से इरिटेशन उसे दबा के सब्सक्राइब कीजिए, और आप में से किसी एक का ये हो सकता है। आई हैव 3 डिवाइस, मेरे पास 2 और है, तो मैं 3 किसी को ये दूंगा। तो बने रहिए, बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।